वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके दोस्त काम्या। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज भी इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसा स्किन वाइटनिंग लाइटनिंग फेस वॉश लेके आई हूँ जो कि आपके स्किन की रंगत को निखारेगा, साथ ही साथ आपके स्किन से एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, आपके फेस से एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा, आपके पोर्स को डीपली क्लीन करेगा। ये फेस वॉश आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, रूखी रहती है, बेजान रहती है, बिल्कुल भी चमक नहीं रहती, बिल्कुल भी शाइन नहीं रहती है, आपकी स्किन ग्लो नहीं करती है और आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट होते हैं, आपकी स्किन पे दाग धब्बे होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा बस ये आज का एक फेस वॉश। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, 100% नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि मैं किस फेस वॉश के बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाने के लिए। तो वीडियो को फटाफट जल्दी से कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से वाओ का स्किन साइंस क्रीम टी फॉर्मिंग फेस वॉश के बारे में। ये फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ओपन पोर्स को ये डीपली क्लीन करता है, साथ ही ये ऑयल को कंट्रोल करता है, हमारी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करता है। तो ये क्रीम टी फेस वॉश एक फॉर्मिंग फेस वॉश है। फॉर्मिंग फेस वॉश हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें 95% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इस फेस वॉश को बनाने में क्या क्या चीज़ें यूज की गई हैं। इसमें पहला जो इसमें यूज किया गया है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट का। एलोवेरा हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हम सभी जानते हैं। ये हमारी स्किन पे एक नेचुरल सा ग्लो देता है, साथ ही साथ हमारी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। तो ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सेकंड जो इसमें यूज किया गया है, इसमें यूज किया गया है ग्रीन टी का। ग्रीन टी में विटामिन B12 और एंटी ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है जो कि हमारी स्किन से रिंकल्स फाइन लाइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सॉफ्ट बनाता है, हाइड्रेट करता है, साथ ही साथ ये हमारे पीएच लेवल को मेंटेन करता है। तो हमारी स्किन के लिए ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। थर्ड जो इसमें यूज किया गया है, प्रो विटामिन B5 का यूज किया गया है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ये हमारी स्किन को रिपेयर करता है, साथ ही साथ एजिंग प्रोसेस को डिले करता है, बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोकता है। तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें मिक्स की गई है। फोर्थ जो इसमें यूज किया गया है विटामिन ई का। ये एक विटामिन ई में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, साथ ही साथ ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, सॉफ्ट बनाती है, ग्लो प्रदान करती है। तो ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इस फेस वॉश को बनाने के लिए जो भी चीज़ें यूज की गई हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, हमारी स्किन को ग्लोइंग, सॉफ्ट, मॉइस्चराइज, हाइड्रेट, स्किन वाइटनिंग का काम करती हैं। अब बात कर लेते हैं इस फेस वॉश को आपको यूज कैसे करना है, कैसे लगाना है अपने फेस पे। ये फेस वॉश ऑल टाइप स्किन वालों के लिए है, सभी लोग इसे यूज कर सकते हैं, ड्राई, सेंसिटिव एंड ऑयली, एक्ने पिंपल्स वाली, सभी लोग इसे यूज कर सकते हैं, सभी के लिए बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। गर्ल्स बॉयज इसे दोनों लगा सकते हैं। इस फेस वॉश को यूज करने से पहले अपने फेस को अच्छे से पहले पानी से गीला कर लेंगे, फिर उसके बाद इसे जो ब्रश लगा हुआ है इसे थोड़ा प्रेस करेंगे, दबाएंगे और आपको जितना ज़रूरत हो उतना इस फेस वॉश की क्वांटिटी आप निकाल सकती हैं। उसके बाद आपको हल्के हाथों से अपने पूरे फेस पे इसे रब करना है, हल्के हाथों से। ये जो फेस वॉश के ऊपर जो ब्रश लगा हुआ है इस ब्रश से ही आपको पूरे फेस पे आपको हल्के हाथों से रब करना है, इस ब्रश से ही आपको रब करना है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने फेस को अच्छे से साफ कर लेना है, अच्छे से धो लेना है। हम बात कर लेते हैं इस फेस वॉश का प्राइस क्या है और इसे कहाँ से आपको परचेज़ करना है जिससे आपको ये डिस्काउंट में आसानी से मिल सके। उससे पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप होममेड ब्यूटी टिप्स ट्राई करना चाहते हैं, होममेड फेस पैक, होममेड क्रीम बनाना चाहते हैं तो मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है
ब्यूटी क्यून कामे के नाम से बना है, उस चैनल पे आप लोग विजिट कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं, घर पे ही होममेड फेस पैक या क्रीम बना सकते हैं। अगर आप मेरी एक्टिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं या फिर मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है एक्टिंग क्यून कामे के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं मेरी एक्टिंग आप लोगों को कैसी लगी। आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये फेस वॉश आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट में आसानी से ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ये फेस वॉश आपको 150 ml की बॉटल में आपको देखने को मिलेगा। इसका प्राइस है 377 का आपको मिल जाएगा। ये रुपीस में आपको डिस्काउंट में ये फेस वॉश चलता रहता है तो आसानी से आपको डिस्काउंट में ये फेस वॉश मिल जाएगा। इस फेस वॉश का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप आसानी से इस फेस वॉश को परचेज कर सकते हैं डिस्काउंट में, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सेकंड, मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप लोग चैनल पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, अपने लिए होममेड क्रीम या फेस पैक आसानी से घर पर बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को फटाफट जल्दी से कर दे लाइक और मुझे कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और चैनल को फटाफट जल्दी से कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। तो वीडियो को फटाफट जल्दी से कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलती हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही ब्यूटी टिप्स ट्राई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।